हेलो दोस्तों, आज मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ फैट टायर से अल्टीमेट फैट टायर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रोसेस। तो सबसे पहले चलते हैं ये बाइक का हब लेके मार्केट में और इसमें होल करवा के लेके आते हैं। मैं आ चुका हूँ मार्केट से ये हब में छेद करवा के, जो कि मैंने छेद करवाया है और इसको नट बोल्ट से मैंने ये कस दिया है, जो कि ये बाइक का हब है, जो कि ये उसमें इंस्टॉल होगा। चलिए उसमें इंस्टॉल करते हैं। Thank you.
सकते हो यहाँ पे मैंने सॉकर को पहले काट दिया और इसका चेचिस को थोड़ा अपने से बिल्ड करके थोड़ा लंबा कर दिया जो कि साइकिल में अटैच हो जाए, और इसको बीच में वेल्डिंग कर दिया जो कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल करते हैं फाइनली। ये मेरा साइकिल है, जिसका ये वाशर है जो कि मैंने ये लगा रहा हूँ। ये मैंने पुराना वाला ही हैंडल, तो इसको भी मैंने रिबिल्ड करूँगा फिर से। और ये इसका नट बोल्ट जो यहाँ से टाइट कर देते हैं, नॉर्मल भी साइकिल में रहता है। फाइनली ये लग चुका है, लेकिन इसमें सेटिंग करना होगा। तो हेलो दोस्तों, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग का बहुत सारा डिमांड था कि साइकिल का टायर, बाइक का टायर बहुत लगा लिए हैं, तो अब कार का टायर लगाइए। तो मैंने भी कार का टायर लगा चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो फैट टायर था उसका ये फ्रंट का व्हील है, तो इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं। ये हब है और इसमें चार ठो नट से इसको कस के और इसका चेचिस को थोड़ा यहाँ से काट के इसको वेल्डिंग कर दिया। तो इसका और इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि ये भी आपको जल्दी दिख जाएगा चक्का उठाने टाइम में। तो आप लोगों को कैसा लगा यह साइकिल, तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी न्यू आए हैं हमारे चैनल पर वो जाके सब्सक्राइब करें और हमारे पुराने वीडियो देखें। और ऐसे भी वीडियो आपको ढेर सारे मिलेगा जल्द से जल्द। इसमें बैक टायर में भी फैट टायर लगाने जा रहे हैं, उसका भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।